नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएएस क्लासेस पे। साथियों कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप और आपके परिवार के सहित आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों एक बार फिर मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक ताजा तरीन अपडेट रिलायंस जियो का, जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल है उसके बारे में अपडेट। साथियों आपने सुना होगा एक एलन मस्क का एक कंपनी है, वो भी भारत के अंदर जल्दी ही अपने सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइडर की भूमिका अदा करने वाले हैं। उसी कड़ी में भारत की जो सबसे बड़े ब्रांड है रिलायंस के, उस रिलायंस ने ही हाल ही में घोषणा करी है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि एशिया के लिए और साथ ही साथ यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ा जो आपके इंटरनेट वाला प्रोवाइडर सिस्टम है उसको लॉन्च करेंगे। ये भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात भी है कि भारत जो है इस, क्योंकि इस संस्था का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में होगा। इसी पॉइंट के ऊपर जल्दी से एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं जिससे आप भी ताजा तरीन अपडेट हो जाएं। साथियों जीवन में कहा गया है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सूरज की तरह जलना होगा। यानी अगर आप सूरज की तरह जलना सीख जाओगे तो ही सूरज की तरह चमक पाओगे। ये कौन कह रहे हैं? नाम पूरा सर्वविदित है, पूरा विश्व जानता है श्री अब्दुल कलाम जी को। चलिए मेरे प्यारे साथियों इन्हीं की प्रेरणा स्रोत हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया है। एक कंपनी है आपके भारत में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। इनकी जो कंपनी है इन्होंने ही एक टेलीकॉम सेक्टर में सब्सिडियरी रिलायंस जियो ने कहा कि बढ़ती हुई भारत में डेटा की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए वह भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण करेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सबमरीन क्या है, कैसे काम करती है, क्या कोई केबल समुद्र में होती है क्या? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इन सभी जो आपकी जो ये चर्चाएं हैं, जो ये सुर्खियां हैं, जो ये चिंताएं हैं, इनका समाधान आने वाले 5 से 10 मिनट में होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कंपनी की एक योजना है। कंपनी क्या करेगी, मुंबई को हेडक्वार्टर मानते हुए इस पूरे विश्व के अंदर दो लिंक जो है जारी करेगी या दो लिंकों का निर्माण करेगी। एक लिंक के माध्यम से सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश जुड़ेंगे और यानी पूरा का पूरा पैसिफिक मार्केट जुड़ेगा, और दूसरे के माध्यम से जो है आपके इटली और मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका जो है वो दोनों इससे जुड़ेंगे। तो ये क्या है, क्या इस प्लान, ये प्लान का क्या परफॉर्मा है, क्या रूपरेखा रहेगी, इसकी चर्चा हम करते हैं आगे वाली स्लाइड में। साथियों ये जो दो केबल होगी उन दोनों का नाम होगा IAX। क्या नाम होगा? IAX। IAX का मतलब है इंडिया एशिया एक्सप्रेस। तो ये कहां से कहां जाएगी, ये कनेक्ट करेगी आपके सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया को, यानी आपके दक्षिण जो पूर्वी भारत पूर्वी एशिया है उसको और आपके जो पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज है उनको कनेक्ट करेगी। दूसरा जो केबल होगा वो होगा IEX। IEX का मतलब क्या है? इंडियन यूरोप एक्सप्रेस। ये जो IEX है ये किसको कनेक्ट करेगा, ये आपके वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया को, मिडिल एशिया यानी मध्य एशिया को और ईस्ट अफ्रीका और यूरोप को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो दूसरा केबल होगा वो होगा IEX यानी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। आपको जानकर खुशी होगी कि इन दोनों का जो सेंटर होगा वो आपके जो है माया नगरी से आप कहते हैं मुंबई के अंदर स्थित होगा। और रिलायंस ने ये बताया है कि ये जो सर्विस है ये मोस्ट प्रोबेबली 2023 मिड तक शुरू हो जाएगी और जो IEX वाला यानी यूरोपियन वाला पार्ट है वो 2024 तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक छोटा सा मैप, ये मैप देखिए आप, इसके अंदर ये मुंबई हेडक्वार्टर से लेकर आप यूरोप के अंदर पूरा इसको देख सकते हैं। ये IEX है, ये वाला जो बिल्कुल आपके रेड डोर जो है आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा वाला जो IAX है, इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई होगा। और ये देखिए ये आप मुंबई होते हुए, हमारे चेन्नई होते हुए, हमारे केरल होते हुए और श्रीलंका होते हुए आपके दक्षिण पूर्वी जो आपका एरिया है, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है यहाँ तक ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये जाल भूमि पर होगा? नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये जो जाल है यह जाल होगा आपके समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर जो है मोटी केबल्स के माध्यम से इंटरनेट
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और उसी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है साथियों? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये पूरा मैप जो है आप आसानी से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। IEX यानी यूरोपियन एक्सप्रेस और AX यानी एशियन एक्सप्रेस, ये दोनों के दोनों जो नेटवर्क हैं, ये दोनों ही नेटवर्क आपके रिलायंस के द्वारा डेवलप किए जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें देखो IAX जो एशिया एक्सप्रेस है, इससे क्या होगा, भारत पूर्व की तरफ यानी ईस्टर्न पार्ट जो है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के जो ईस्टर्न पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे सिंगापुर हो गया, उनको ये कनेक्ट करेगी। जबकि जो IEX है, भारत यूरोप एक्सप्रेस है, ये पश्चिम वाले हिस्से को कनेक्ट करते हुए कहां तक, यूरोप तक ये जाएगी मेरे प्यारे साथियों। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्या था, इसका प्लान था किसका, हमारे आपके जियो का। अब देखते हैं ये इसकी जरूरत क्यों थी, क्या दिक्कत थी, क्यों इसको जो है लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले तो जो एलन मस्क का जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने का प्लान था हिंदुस्तान में, उसके काउंटर बैलेंस करने के लिए आपके मुकेश अंबानी साहब ने ये वाला प्लान लॉन्च किया है। अब देखते हैं क्यों जरूरत थी। भारत और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको डाटा जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी इंटरनेट की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए एक इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम को रेडी करना था। इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो चूंकि 2015 से ही आपके भारत में जियो जो है वो इंटरनेट प्रोवाइडर और मोबाइल सेक्टर के अंदर एक नंबर का जो है कंपनी बना हुआ है, तो इसी को देखते हुए वही कंपनी इसके अंदर आगे बढ़ रही है और सबमरीन केबल डालने की बात कर रही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या संभावनाएं हैं? IAX और IEX दोनों जब नेटवर्क तैयार हो जाएंगे तो भारत और भारत से बाहर डेटा और क्लाउड सेवा को पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी तथा ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलने लगेगी। आज लगता है ना पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं इंटरनेट नहीं आता है, कहीं थोड़ा डीप ओशियन वाले पार्ट में जाते हैं वहां पर जो है इंटरनेट नहीं आता है, तो इन सभी समस्याओं की संभावना जो है, इन सभी समस्याओं को सॉल्यूशन देने के लिए ये नेटवर्क बहुत आवश्यक है। एक बयान के अनुसार ये माना गया है कि 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 200 Tbps यानी टेरा बिट प्रति सेकंड की स्पीड से आपको क्या मिलेगी जो है इंटरनेट स्पीड मिलने की पूरी संभावना है। अभी इंटरनेट स्पीड जो है 1 Mbps भी नहीं मिलती है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलायंस जियो के बारे में। तो रिलायंस जियो आप जानते हो 2015 के अंदर ये रिलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए और उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। 2016 में इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, ये आपके इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और इसके साथ में लगभग 41 करोड़ से ज़्यादा यूजर जुड़े हुए हैं और न भारत का तो एक नंबर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है रिलायंस जियो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए रिलायंस जियो इस ओर आगे आया है और इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, रिलायंस जियो जो है वो इतना जब स्पीड के अंदर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा तो स्ट्रीमिंग वीडियो, रिमोट वर्क फोर्सेज, 5G प्लान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और चूंकि हमें ये गर्व का विषय भी है क्योंकि ये इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पर होगा, आपके मुंबई में होगा, यानी हिंदुस्तान जो है अब इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में भी उभर के सामने आएगा। मेरे प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का। अब हम ये देखते हैं कि वॉट इज द सबमरीन केबल। हमने देखा कि समुद्र के अंदर से, ओशियन के अंदर से आपके केबल जो है वो बिछाई जा रही है। अब दिमाग में आ रहा होगा यार ऐसा कैसा पॉसिबल है कि सबमरीन केबल जो है वो ओशियन के अंदर से खराब नहीं होगी क्या, मछली नहीं काटेगी क्या, वेल नहीं काटेगी क्या, गलेगी नहीं क्या, ये सब बातें दिमाग में आ रही होगी। खैर कोई बात नहीं है, आनी भी चाहिए। अगर दिमाग में प्रश्न नहीं आते हैं इसका मतलब है कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर प्रश्न आते हैं इसका मतलब है प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं सबमरीन केबल होती क्या है। ये क्या है, एक केबल होती है जो दो लैंड पार्ट के अंदर जो स्टेशन होते हैं उन्हें जोड़ने का काम करती है। उसके बीच में ओशियन होता है तो उसमें ओशियन के अंदर ही वो केबल जो है बिछाई जाती है, यानी समुद्र के बिल्कुल पेंदे में
जो है वो केबल बिछाई जाती है। ये केबल दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है आपकी दूर संचार केबल और एक होती है पावर केबल। कैसी भी केबल हो, समुद्र के अंदर से ही ये सबमरीन केबल्स जाती है। अगर ये भी बात ध्यान रखने की है कि सबसे पहले 1850 में इस प्रकार का सबमरीन केबल जो है बिछाया गया था, जो कि टेलीग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट था। किसके लिए? टेलीग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका विजय जी, स्वागत है आपका अलका जी, हिना खान जी स्वागत है, प्रिया जी स्वागत है, मुकेश जी स्वागत है आपका। अब देखते हैं, बड़ा ऑप्टिकल फाइबर की चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 मिनट से, तो एक बार हम ये देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पूरा पिक्चर देख पा रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या, एक केबल होती है जो किससे बनती है, जो आपके प्लास्टिक और ग्लास से बनती है। किससे? प्लास्टिक से और ग्लास से बनती है, यानी चूना पत्थर भी इसमें काम में लेते हैं, ग्लास भी काम में लेते हैं, प्लास्टिक जो है वो भी काम में लेते हैं। ये जो है आपके किस फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, ये लाइट रेज, यानी जो आपके जो प्रकाश की किरणें हैं उनके आधार पर ये काम करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो किस लिए काम में ली जाती है, वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम में ली जाती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक तो ये होता है कि जो ट्रांसमिशन का स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यानी ट्रांसमिशन का स्पीड फास्ट होने से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये क्या करती है, ये काम करती है। उससे क्या होता है, सिग्नल लॉस होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसीलिए वर्तमान में जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो ऑप्टिकल फाइबर, क्या, ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य रूप से यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखाई देती है जो ओशियन के अंदर होती है, समुद्र के अंदर जो है इस प्रकार से आपको ये दिखाई देती है। अब ये खराब नहीं होती है, क्यों खराब नहीं होती है, क्यों, वो इसलिए खराब नहीं होती है क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये 8 लेयर से बनी हुई होती है। कितने लेयर से? 8 लेयर से बनी हुई होती है। ये पॉलीथीन से, मलेट टाइप से, स्टील से, एल्यूमिनियम से, पॉलीकार्बोनेट से, कॉपर से, पेट्रोलियम से, और उसके पेट्रोलियम जो जेली होती है, इन 7 लेयर की क्या होती है, कोटेड होती है, और उसके बाद में आपके जो है ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर आपको दिखाई देती है। इसी वजह से ये ओशियन के अंदर खराब नहीं होती है। तो ये आपने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर बनती कैसे है। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व की हम बात करें तो ये देखो इस तरह का पूरे विश्व में नेटवर्क जो है बिछाया हुआ है इंटरनेट का। हम बोलते हैं कि हमने मोबाइल में रिचार्ज करवाया और इंटरनेट शुरू हो गया, तो वो इंटरनेट जो शुरू होता है उसके पीछे ये जो पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है ओशियन के अंदर, ये नेटवर्क जो है ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि टावर से जो है पास में टावर होगा तो चलेगा, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ना। जब कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो उसके बाद ही ये सब कुछ बातें जो है संभव हो पाती है। देखिए अगर हम भारत की बात करें, अभी भारत जो है इंटरनेशनल रूट पे, यानी इंटरनेशनल जो रूट है वहाँ उसमें कुछ हमारे सेंटर है, जैसे मुंबई हो गया, हमारे कोचीन हो गया, हमारे त्रिवेंद्रम हो गया, हमारे तूतीकोरिन हो गया और चेन्नई हो गया। यही जो सेंटर मैंने नाम बोले हैं ये इंटरनेशनल रूट के ऊपर कनेक्टेड हैं। यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन आती है और इंफॉर्मेशन यहीं से जाती है। इसके बाद में जो हमारा इंट्रा नेटवर्क है उसके माध्यम से ये पूरे भारत में सूचनाएं हम फैलाते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल रूट हुआ, और हमारे भारत का जो कौन कौन से शहर इससे कनेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब देखिए एक आपको दिखाई दे रहा है स्टारलिंक, यही वजह है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के कारण ही हमारे रिलायंस ने जो है ये प्रोग्राम शुरू किया है। अब देखते हैं ये स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या है, जानना बहुत जरूरी है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, एलन मस्क, अगर नहीं जानते तो सर्च कीजिएगा इनके बारे में और पढ़िएगा कि ये कौन है और किस तरह से ये व्यक्ति जो है ग्रोथ करते हुए विश्व के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बने। इनका नाम है एलन मस्क, इनकी कंपनी है एक स्टारलिंक जो क्या करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब इनका थ्योरी क्या है, देखो आपको पता है इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और वो स्पेस एक्स जो कंपनी है वो सैटेलाइट लॉन्च करती है। उस कंपनी के ओनर भी यही हैं, और जो स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है उसके ओनर भी यही है। तो इन्होंने ये कहा
स्पेस एक्स के माध्यम से ये पूरी पृथ्वी के जो आपके सैटेलाइट है इतनी मात्रा में सैटेलाइट छोड़ी जाएगी कि वो सैटेलाइट अपनी पूरी रेंज से पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगी और आपके लिए इंटरनेट प्रोवाइडर की सुविधा उपलब्ध करवा देगी। ये इनकी थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं देखिए, ये आपके न्यूज़पेपर की खबर है स्टारलिंक के बारे में। कंपनी ने यह दावा किया है कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस हम 2022 तक शुरू कर देंगे। इसका स्पीड कितना होगा? 50 से लेकर 150 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड इसमें मिलेगी। भारत में क्या इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप 7,000 रुपीज डिपॉजिट करवा कर इसका प्री बुकिंग करवा सकते हैं। और कंपनी का लक्ष्य यह है कि जो 150 Mbps की स्पीड है उसको बाद में बढ़ाकर 1 Gbps यानी 1 Gbps की स्पीड में आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये है आपके स्टारलिंक के बारे में कुछ खास बातें। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टारलिंक जो ब्रॉडबैंड है वो कब तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा? तो आप कह सकते हो कि अवेलेबल इन इंडिया बाई 2020 यानी 2022 तक जो है ये आपको जो है ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, देखिए सैटेलाइट के जरिए लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट काफी पहले से ही चल रहा है। हजारों सैटेलाइट के माध्यम से जमीन पर लोगों को इंटरनेट का यूज करवाया जा सकता है। इसके लिए जो इंटरनेट यूज करने वाला होता है उसके पास एक रिसीवर होता है और उस रिसीवर के माध्यम से वो सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजता है और वहां से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है। और इसी प्रकार से आप जो है इंटरनेट का यूज आसानी से कर पाते हो मेरे प्यारे साथियों। चलिए इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि स्पीड में आपको इंटरनेट इंटरनेट मिलेगा और लेटेंसी जो है वो कम मिलेगी। जितनी लेटेंसी कम होती है इंटरनेट उतना ही स्मूथ चलता है, जो कि हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में मल्टीप्लेयर गेमिंग में इसका यूज बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। आज कहते हैं ना हम कि रिचार्ज ही खत्म हो गया सर, क्लास कहाँ से देखें? ठीक है, तो ये जो समस्याएं हैं ये आसानी से दूर हो जाएगी इसके बाद में। चलिए एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। एलन मस्क ने ये कहा कि मेरी ही स्पेस एक्स के माध्यम से मैं सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे इस मेरी इंटरनेट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम करना होगा। उन्होंने कहा कि 2025 तक लगभग 42,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे और इसी कारण वो कह रहे हैं कि पूरी धरती पर स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे हम। ये है एलन मस्क, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। जिंदगी के अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एलन मस्क ऐसे हैं, अगर इनकी बायोग्राफी आप देख लेंगे 10 मिनट के लिए, तो वाकई में जीवन में किस प्रकार से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एनहांस करके पूरे विश्व को सपने दिखाने लगता है, ये आप सीखेंगे एलन मस्क सर से। चलिए अभी तक 42,000 सैटेलाइट की बात करी गई है, तो अभी तक कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी तक हमने यानी इस स्टारलिंक कंपनी ने लगभग 1,000 या 1,100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं और जल्दी ही कंपनी कह रही है कि 12,000 सैटेलाइट का आंकड़ा हम जल्दी ही छू लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इस सर्विस के पैसे देने होंगे या फ्री में मिलेगी? तो देखिए इसके लिए भारत के अंदर ऑफर है कि 7,000 रुपीज से आप प्री ऑर्डर स्टार्ट करवा सकते हो और इसका आप हिस्सा बन सकते हो, लेकिन सर्विस अभी स्टार्ट नहीं होगी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। स्टारलिंक कितनी फास्ट इंटरनेट स्पीड प्रदान करेगा? तो अभी कहा गया है कि 150 Mbps की स्पीड देगा स्टारलिंक वाला प्लान और 2021 के आखिरी तक 300 Mbps की स्पीड ये प्रदान करने लग जाएगा। ये देखिए ये है आपके जियो फाइबर के मालिक मुकेश अंबानी साहब। आपने ये देख लिया होगा कि दो लिंक के बारे में मैंने बात करी, एक तो हमने देखा स्टारलिंक जो है उसके बारे में और एक जो जियो का नेटवर्क बनने जा रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा उसकी बात करी। तो यही है जो भारत में हेडक्वार्टर बनाते हुए भारत को पूर्वी एशिया, एशिया, अफ्रीका और आपके यूरोप महाद्वीप से इंटरनेट प्रोवाइडर बनने की क्षमता दे रहे हैं। तो हमें ये गर्व होना ही चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। एक तो हम दूसरी कंपनी यहाँ आकर सर्विस दे रही है, एक हमारी कंपनी कोई बाहर जाकर पूरे विश्व में सर्विस दे रही है, तो ये तो जो है हमारे प्राउड मोमेंट होना ही चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए ये सेशन जो है इतना ही था।
अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। स्वागत है विजय जी, परी जी, स्वागत है अलका जी, हिना जी, बहुत बढ़िया। साथियों इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये कुछ बातें हैं जो सर्कुलेट करनी होती है। मुझे पता है आपको भी पता लग रहा है और दूसरों को भी पता लगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में आए नहीं आए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो। और एक जागरूक नागरिक कौन होता है जिसको इस प्रकार की खबरों का पता हो। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही है। अपना ध्यान रखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं। अगर किसी भाई को या किसी भी दोस्त को ये लगता हो कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों। अपना ध्यान रखिएगा, तूफान अपने चरम पे है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा और सेफ रहना, बस यही है। मिलते हैं सुबह फिर एक ताजा तरीन अपडेट के साथ 12 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।